Good morning, kids. Kids, today we will learn how to make a paper fish aquarium. For that, materials required are blue color sheet, gelatin, fabricol, scissor, black marker, and some small pieces of colorful sheets. Blue color sheet ko first of all fold karenge like this. उसके बाद पेंसिल से पॉट की शेप ड्रॉ करेंगे। द हेल्प ऑफ सीजर हम उस शेप को कट कर लेंगे। नाउ आवर पॉट इज रेडी लाइक दिस। ओके, ये पॉट शेप हमारी रेडी है। फ्रंट के लिए हमको उस पे एक अंदर से एक पॉट और ड्रॉ करना होगा। पॉट के अंदर एक स्मॉल पॉट हम पेंसिल से ड्रॉ कर देंगे और विद द हेल्प ऑफ पेपर कटर हम उस शेप को कट कर लेंगे। जेलेटिन हम लेंगे और जहाँ पर हमने पेपर कटर से जो शेप कट करी है वहाँ पर हम जेलेटिन को रखेंगे और जेलेटिन को भी सेम पॉट की शेप में कट करेंगे। जेलेटिन को जो हमने पॉट की शेप कट करी थी वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब हमारा एक्वेरियम का बेस रेडी है। फिश एक्वेरियम है इसलिए हमें इसके लिए स्मॉल स्मॉल फिशेस बनानी होंगी। 5 to 6 हम लोग फिशेस बना लेंगे। 4 to 5 उसमें डेकोरेट करने के लिए ग्रास लीव्स बना लेंगे एंड सम कलरफुल स्टोन्स कट कर लेंगे, सर्कल शेप में, ओवल शेप में, एनी शेप यू वांट टू कट। स्मॉल सी ग्रीन कलर की शीट लेंगे, रेंडमली ऊपर कोई भी कर्व किसी भी तरह का आप ऊपर डिज़ाइनिंग दे सकते हैं क्योंकि वो हमें फिश एक्वेरियम के अंदर इंसर्ट करना है। इसको ये फिश एक्वेरियम के अंदर आप यहाँ लगा देंगे क्योंकि इसका लुक फिर बहुत ब्यूटीफुल आएगा। डेकोरेशन के लिए जो भी हमने फिश, ग्रास, स्टोन्स जो भी बनाए थे उनको फिश एक्वेरियम के अंदर पेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पेस्ट ग्रास। जो भी लीव्स हमने बनाई हैं, फिशेस बनाई हैं, स्टोन्स बनाए हैं, हम धीरे धीरे अपने अकॉर्डिंग जहाँ भी हम चाहें वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। ग्रास के ऊपर हम फिशेस को पेस्ट करेंगे। लाइक दिस। फिश एक्वेरियम में तो फिशेस ज़रूरी होती है ना, तो इसलिए फिशेस बहुत ब्यूटीफुल होनी चाहिए क्योंकि उसका लुक फिशेस से ही आएगा। पॉट के बॉटम के में हम लोग कलरफुल स्टोन्स जो हमने स्मॉल स्मॉल शीट से कलरफुल स्टोन्स बनाए थे वो पेस्ट करेंगे। लाइक दिस। हेलो, फिश एक्वेरियम इज रेडी।